हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एक्सिस बैंक के सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। वैसे बैंक ने काफ़ी एक लाइफस्टाइल कार्ड दिया है ये डेली यूजेस के लिए, तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़बरदस्त इसमें बेनिफिट्स मिल जाएंगे आपको। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस कार्ड को आप जैसे ही एक्टिवेशन करेंगे तो एक्टिवेशन करने के बाद आपको 2000 का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको फर्स्ट में 2000 का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। वैसे ये कार्ड डेली यूजेस के लिए है, जैसे कि आप बिग बास्केट से परचेस करते हैं, अगर 2000 से अबव में आप परचेस करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। अगर स्विगी पे आप 400 के अबाव में ऑर्डर करते हैं तो आपको 40% ऑफ मिल जाएगा, जो अप टू 200 रुपीज़ तक। इस कार्ड के साथ एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्पा विजिट मिल जाएगी, जिसके साथ में 40% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस कार्ड से अगर बुक माई शो से आप एक टिकट बुक करते हैं तो सेकंड टिकट के लिए आपको 300 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है इस कार्ड में। इस कार्ड में 2 लॉन्जेस आपको क्वार्टरली मिल जाएगा, डोमेस्टिक लॉन्जेस। अगर आप 3 लाख तक 1 ईयर में स्पेंड करते हैं तो आपको 6 एडिशनल डोमेस्टिक लॉन्जेस और मिल जाएंगे। इस कार्ड में आपको 12 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लॉन्जेस मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको एक प्रायोरिटी मेंबरशिप लेनी होगी, जो आपको कस्टमर केयर से प्रायोरिटी मेंबरशिप पास मिल जाएगा। उसके बाद आप 12 इंटरनेशनल लॉन्जेस एक्सेस कर सकते हैं। इस कार्ड में प्रायोरिटी मेंबरशिप एनुअली रिन्यू होती रहती है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। अगर आप 1 ईयर्स में 3 लाख स्पेंड कर देते हैं तो प्रायोरिटी मेंबरशिप पास है वो आपकी फ्री रिन्यूअल हो जाएगी, नहीं तो चार्ज लगेगा। अब बात करते हैं इसके रिवार्ड पॉइंट्स की। तो फ्रेंड्स, रिवार्ड पॉइंट आप अगर 200 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो आपको 10 रिवार्ड पॉइंट दिए जाते हैं। अगर आप शॉपिंग रिटेल में आप अगर 200 अगर स्पेंड करते हैं तो 20 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स है, आपको डबल रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं रिटेल शॉपिंग के अंदर। इस कार्ड में माइनस स्टोन का भी आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आप 1 ईयर्स में 3 लाख के अबाव में आप स्पेंडिंग कर देते हैं तो आपको प्रायोरिटी पास मेंबरशिप की जो रिन्यूअल फीस लगती है वो वेवर ऑफ हो जाती है। साथ में आपको एडिशनल 5000 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये भी बेनिफिट्स हैं इस कार्ड में। तो वैसे काफ़ी सेलेक्ट कार्ड काफ़ी अच्छा है, आप ले सकते हैं इस कार्ड को। इस कार्ड से आप 1 ईयर्स में 6 लाख स्पेंड कर देते हैं तो आपकी जो नेक्स्ट रिन्यूअल फीस होती है वो वेवर ऑफ हो जाती है। इस कार्ड से आपको 9 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ राउंड मिलते हैं। अगर आप 3 लाख तक की स्पेंड कर देते हैं तो आपको 3 एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ राउंड और मिल जाएंगे। इस कार्ड से आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर ऑफ है। इसके अलावा इस कार्ड में एक्सिस बैंक के जहाँ भी पार्टनर रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर अगर आप डाइनिंग करते हैं और इस कार्ड से आप बिल पे करते हैं तो आपको 20% तक ऑफ मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा इस कार्ड में बेनिफिट्स है। इस कार्ड में आपको 2.5 करोड़ तक का एयर ट्रेवल इंश्योरेंस भी कवर्ड है। इस कार्ड के अंदर 1 लाख रुपये तक का फ्रॉड लाइबिलिटी भी कवर्ड है साथ में। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है। अब बात करते हैं इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो इसका भी एक विशेष चीज़ है, जो इस कार्ड को लेने के लिए कम से कम जो एज है वो 18 प्लस से लेके और 70 ईयर्स तक के लोग ले सकते हैं। सालाना इनकम है वो 9 लाख से अबाव में होनी चाहिए इस कार्ड को लेने के लिए। इस कार्ड की एनुअल फीस है वो 3000 प्लस GST है, और रिन्यूअल फीस है वो भी सेम है, 3000 प्लस GST है। अगर आप एक्सिस बैंक के बर्गेंडी अकाउंट होल्डर हैं तो आपको ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री दिया जाएगा, जिसका कोई एनुअल रिन्यूअल कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, लाइफ टाइम फ्री है।
अगर आप नॉन ब्रिगेंडी हैं तो आपको ये चार्ज फर्स्ट बार का एनुअल का देना पड़ेगा आपको 3000 प्लस जीएसटी। उसके बाद आप 6 लाख स्पेंड करके वेवर ऑफ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर एक्सिस बैंक में आपका बर्गंडी अकाउंट है तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स, काफ़ी सारी सुविधाएं फ्री दी जाती हैं, तो आप वो भी अकाउंट खुलवा के ले सकते हैं, जिसमें काफ़ी कुछ आपको चार्जेस से आप बच जाएंगे, काफ़ी कुछ फ्री सर्विसेज मिलती रहेगी। इस कार्ड का फाइनेंस चार्ज है जो 3.40% पर मंथ चार्ज है, इसका आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना होगा। इस कार्ड में एटीएम से कैश विड्रॉल चार्जेस है वो 2.5% मिनिमम होगा। इस कार्ड में ओवरड्यू चार्ज है वो कम से कम 300 रुपीज़ होगा, उसके बाद आपका जितना पेमेंट है उसी हिसाब से बढ़ भी सकता है। इस कार्ड में ओवर लिमिट की बात करें तो इसमें ओवर लिमिट की पेनल्टी है वो कम से कम 3% है, जो कम से कम 500 रुपये चार्ज हो सकता है, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना होगा। तो आज का यही है एक्सिस बैंक के सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड का, जो काफ़ी एक लाइफ स्टाइल कार्ड बैंक ने दिया है, जो डेली यूजेस के लिए इस कार्ड को दिया है, तो इसमें काफ़ी सारे अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो बाकी ये चीज़ आप लिस्ट देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर कुछ कंफ्यूज हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर देने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए।